पश्चिम ओडिशा हाईकोर्टर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा यह एक स्पर्शकातर प्रसंग। ये प्रसंग को लेकर पश्चिम ओडिशार बहुत लंबा समय पर्यंत वकिलंकर आंदोलन एवं वकिलंकर आंदोलन सांगरे सांगरे जनसाधारणंकर मध्य आंदोलन 50 वर्ष ऊर्ध्व हम चली एवं जो अभावनीय परिस्थिति सृष्टि है ये अभावनीय परिस्थिति कारण एवं संसद चली कारण आम समस्ते दिल्ली में कारण आज पश्चिम ओडिशार जो माने आमे संसद सबू अच्छू से माने आपण मानकर माध्यम रे वार्ता देवाई आज सांबादिक सम्मेलन डकाई आमको समस्त को जना अछि जे एक स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करिबा पई जो धारा एवं नियम अछि से धारा एवं नियम हला जे यार आवश्यकता प्रकृति में राज्य सरकार प्रथम अनुभव करने कथा। यदि राज्य सरकार अनुभव करे तार द्वितीय पर्याय हला जे राज्यर मुख्यमंत्री मूल हाईकोर्टर विचारपति संगे परामर्श करेंगे। तृतीय विषय हला जे यदि स्थायी बेंच प्रतिष्ठा पाई सहमति प्रकाश पाइला ताहले तार कंपोजिट प्रपोजाल केंद्र सरकार को पठेबे। कंपोजिट प्रपोजाल रो अर्थ हला जे प्रकृति में राज्य सरकार क्यों जगार निर्दिष्ट जगार मूल हाईकोर्टर स्थायी बेंच प्रतिष्ठा करने चाहूँगी तार एग्जैक्ट लोकेशन द्वितीय तार जुरिस्डिक्शन कौन हम क्यों क्यों अंचल को लेकर से स्थायी बेंच प्रतिष्ठा हम। तृतीय तार भित्तिभूमि रो आवश्यक खर्च राज्य सरकार बहन करने प्रतिश्रुतिबद्ध हेबे एवं स्थायी बेंच प्रतिष्ठा हलापर जो दैनंदिन खर्च मध्य राज्य सरकार बहन करेंगे। ये सबू मिसेकरी जो प्रस्ताव ताकू कहते कंपोजिट प्रपोजाल बा पूर्णांग प्रस्ताव आसिला परे केंद्र सरकार पार्लियामेंट रे बिल आनिबे एवं बिल राज्यसभा एवं लोकसभा रे गृहीत हला परे एक निर्दिष्ट राज्य रे निर्दिष्ट हाईकोर्टर स्थायी बेंच कोनोसी जगह रे प्रतिष्ठा हेई पारिबो।